आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था, लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज़्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए, और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं।